अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ मीठे गुलगुले, हैदराबादी मीठे गुलगुले और स्टफिंग के साथ खजूर और खजूर में चीज़ की स्टफिंग करते हुए बनाऊंगी इंशाल्लाह। चलिए सबसे पहले हम मैदे को भिगा देंगे। मैदा ले मैं 150 ग्राम मैदा। मैदे में डाल लूँगी मैं 1/4 पाव चम्मच टीस्पून नमक और 4 इलायचियों को पाउडर करके पीस के बना लीजिए। और शक्कर है 50 ग्राम। शक्कर थोड़ी बड़ा और घटा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें डालें और 2 चुटकी डालेंगे खाने का सोडा और पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए भिगाते जाएंगे। और इसमें ज़ाफ़रानी कलर घोल के रखी मैं डाल रहा हूँ। चाहे तो आप ज़ाफ़रानी काढ़ों को कुनकुने पानी में घोल के भी मिला सकते हैं। इसमें थोड़ा गुठलियाँ बन जाती, उसको एक ही साइड चमचा चलाते जाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी है, थोड़ी सी इसको पतले करेंगे। चलिए मैं इसको अच्छे से भिगा दी। इससे कंसिस्टेंसी इतनी रहना, देखिए घट नहीं रहना, पतली नहीं रहना, पट्टी की तरह गिरना। चलिए ये इसको 15 मिनट ढाप के रखेंगे और तलने से थोड़ा पहले 1 टेबल स्पून इसमें रवा मिक्स करेंगे। ये उकमे का रवा है। चलिए जब तक मैदे को भिगाने के लिए, रेस्ट करने के लिए रखें, जब तक खजूर की स्टफिंग करके रेडी कर लेंगे। फ्रिज में भी रख दे सकते हैं जब तक आप। बीच में से इसको कट कर लेने के बाद से गुठली निकालेंगे। सारे खजूरों को इसी तरह कर लेंगे। चलिए मैं सारे गुलगुलों को इसी तरह, सॉरी गुलगुलों के बारे में, खजूरों को इसी तरह कट करके सारों के बीज निकाल के रख लिए। अब इसमें चीज़ की स्टफिंग करेंगे। खजूरों में स्टफिंग करने के लिए चीज़ को के पीसेस को कट कर लेंगे। हमारा भीग गया, उसमें डालेंगे रवा। रवा डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। रवा डाल के मैं अच्छे से मिला ली। अब इसमें खजूर डाल के डिप करके फ्राई कर लेंगे। ऑयल रख दी मैं, ऑयल गर्म हो गया और मीडियम गर्म रहना, ज़्यादा गर्म ना रहना। चलिए ऑयल मीडियम गर्म रहना। अब इसको डिप करके मैदे में फ्राई करते जाएंगे। चलिए इसी तरह हम सारे फ्राई करके निकाल लेंगे। ये जो ब्लैक नज़र आ रहा वो जला नहीं, खजूर है। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे मीठे गुलगुले बहुत अच्छे बने। इसके अंदर खजूर और चीज़ की स्टफिंग के साथ, और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स है। बड़े भी बहुत शौक से खाते और छोटे बच्चों के लिए भी बना के आप रख के दे सकते बच्चों को। ये एक गर्म है, मैं ये तोड़ के बताऊँगी। और क्रिस्पी भी है, और ठंडे होने के बाद और क्रिस्पी होते हैं। बहुत अच्छे है, कच्चे नहीं है, अंदर अच्छे से पकते।
चलिए हमारा गुलगुले तैयार हो चुके हैं और अच्छे क्रिस्पी है और टेस्टी अच्छे है। देखिए मैं एक तोड़ के बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह इस खजूर के अंदर की चीज़ भी मेल्ट हो गया और तीन टेस्ट आते हैं इसमें, खजूर की मिठास और चीज़ की हल्की सी नमकीन टेस्ट और ये मीठे गुलगुलों का टेस्ट। चलिए मीठे गुलगुलों की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और एक बार बना के ट्राई करिए, आपको पसंद आए।